हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम डाइटिशियन सुधा मौर्य एंड यू आर वाचिंग सुधा डाइटली। तो हर बार की तरह मैं आप लोग के साथ एक छोटी सी नॉलेज शेयर करने वाली हूँ जो कि मे बी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। खासकर वेट लॉस जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि वेट लॉस में जो सबसे ज्यादा जरूरी रहता है वो रहता है कि क्या कैलोरी बर्न करना। आप डाइट अच्छी ले रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपकी डाइट सही रहेगी तभी आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। बट अगर आपको अपना वेट लॉस करना है तो जितनी आप कैलोरीज कम लेंगी उतनी जल्दी आपका वेट लॉस होगा, बट आप लोग की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं आपको वो तो लेना ही है, तो इससे आपकी कैलोरीज किसी किसी फूड्स में ज्यादा हो जाती। सो इसके जो अदर ऑप्शन है डाइट के साथ में वो ये है कि आप अपनी कैलोरीज को बर्न करें। तो कैलोरीज बर्न करने का जो बेस्ट ऑप्शन है वो है वॉकिंग। वॉकिंग जो होती है वो टू टाइप्स से आप कर सकते हैं, या तो मॉर्निंग वॉकिंग कर सकते हैं या आप लोग आफ्टर मील वॉकिंग कर सकते हैं। बट आज अपने इस वीडियो में आप लोग के साथ मॉर्निंग वॉकिंग के बारे में बात करने वाली हूँ, उसके बेनिफिट्स को बताने वाली हूँ। बाकी जो आफ्टर मील वॉकिंग है वो मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, उससे आपके साथ से आपको उसके बेनिफिट्स बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने दोनों ही डिस्कशन किए तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। सो अपने वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाते हुए मैं अपने जो फर्स्ट पॉइंट है मॉर्निंग वॉकिंग उसके बारे में बात करती हूँ, उनके बेनिफिट्स को आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि वेट लॉस में काफी ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि मॉर्निंग वॉक में जब करने के लिए आप मॉर्निंग में उठते हैं, खासकर विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में मॉर्निंग में उठना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि मॉर्निंग में जो हमारी बॉडी होती है काफी ज्यादा स्टिफ हो जाती है, जिस वजह से हमारा उठने का मन नहीं करता है। बट क्या आप लोग जानते हैं जो हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है कितनी ज्यादा बेनिफिट रहती है जब हम लोग उसके बाद में मॉर्निंग वॉक करते हैं, जिसमें इसी तरीके से इसका जो फर्स्ट बेनिफिट है वो यही। मॉर्निंग वॉक जो होता है वो हमारे ज्वाइंट्स पेन और मसल पेन को रिड्यूस करता है। मींस जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो जो हमारे मसल्स होते हैं वो लुब्रिकेट, ज्वाइंट्स जो होते हैं वो मसल्स के सपास में जो जुड़े रहते हैं उनको लुब्रिकेंट का काम करता है, उनको लुब्रिकेट करता है, उसके मूवमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करता है, जिससे कि जो आगे चल के एक एज के बाद में जो मसल पेन, ज्वाइंट पेन, यूरिक एसिड की सब जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती हैं अगर आप लोग रेगुलर मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो ये तो रहा फर्स्ट बेनिफिट। आगे बेनिफिट को बताने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि जो मॉर्निंग वॉक होती है वो हमें कितने टाइम करनी चाहिए। मॉर्निंग में तो आपको, विंटर्स में तो आपको तब करनी चाहिए जब थोड़ा सा सनराइज हो जाए। मीन्स आप लोग 8 to 8:30 के अप्रॉक्स मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, क्योंकि कोहरे में मॉर्निंग वॉक करने से आपको सांस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्लीज कोहरे में बिल्कुल भी आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए ना जाएं। अगर हाँ, अगर आप जाना चाहते तो प्लीज मास्क लगाएं, बट मैं तो आप लोग को यही सजेस्ट करूंगी कि मॉर्निंग वॉक को कभी भी कोहरे में ना जाएं। और जो सेकंड बेस्ट टाइम है समर्स के लिए वो है कि आप लोग सुबह 5 बजे उठ करके जा सकते हैं या आप लोग सुबह 6 बजे उठ करके जा सकते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और जो मॉर्निंग वॉक का टाइमिंग रहेगा वो होगा 45 मिनट एटलीस्ट। आप लोग एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स मॉर्निंग वॉक जरूर कीजिए अगर आप लोग उसके बेस्ट बेनिफिट्स चाहते हैं, क्योंकि 5 to 10 मिनट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट उसके ऐसे बेनिफिट देखने को नहीं मिलते हैं। क्योंकि मॉर्निंग वॉक को जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है हमारी कैलोरीज को बर्न करना। तो कैलोरीज बर्न करने के लिए एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स की वॉकिंग जो होती है वो नेसेसरी होती है। सो यहां मैंने आप लोग को बताया कि मॉर्निंग वॉक हमें कब करना चाहिए और हमें किस टाइम करना चाहिए और कितनी देर करना चाहिए। सो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड बेनिफिट की। जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो आपको जो डायबिटीज होता है वो कंट्रोल्ड वे में रहता है। उसका रीजन ये है कि जब आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो डिक्रीज होता है, जिससे आपका जो डायबिटीज होता है काफी ज्यादा कंट्रोल में आता है। और जो मॉर्निंग वॉक करने से जो आपका वेट लॉस होता है वो आपके डायबिटीज में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। उसका रीजन ये है कि जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसका जो एक मेन बेसिक रीजन होता है वो कहीं ना कहीं ओबेसिटी भी होता है, बट जब आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा, जिससे आप लोग को ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो ये तो रहा सेकेंड बेनिफिट। और बात करते हैं थर्ड बेनिफिट की, वो है हार्ट डिजीज में। जब आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो आपका जो बॉडी होती है वो वार्म अप हो जाती है, जिससे आपके जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है सर्कुलेट होता है वो आपका थिन हो जाता है। मीन्स गर्म बॉडी पा करके जो ब्लड होता है वो पतला हो जाता है और इजीली हमारे पूरे बॉडी में आराम से वो रन कर सकता है, फंक्शन कर सकता है, जिससे हमें जो हार्ट प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती। एटलीस्ट 35% जो हार्ट डिजीज या हार्ट प्रॉब्लम्स होती है वो मॉर्निंग वॉक से कम हो जाती है। तो ये तो रहा थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। जब मॉर्निंग वॉक के लिए हम लोग जाते हैं तो हमारा डाइजेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने नाइट में ईटिंग की होती है, उसके बाद में जब मॉर्निंग में हम लोग एम्प्टी स्टमक रनिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं या ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, तो उससे हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोरेज होती है वो डिप्लीट होने लगती है, जिससे हमारी जो बॉडी वेट होती है वो तो कम होता है, साथ में जो हमारा डाइजेशन होता है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट
नेचुरल बूस्ट ऑफ एनर्जी। जब आप लोग मॉर्निंग में वॉकिंग करने के लिए जाते हैं तो आप लोग काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील करते होंगे, क्योंकि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। और जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है डीपर स्लीप। जब आप लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपका जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है जो बॉडी से हमारे सिक्रेट होता है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे आप लोग को जो नाइट में एंजाइटी या स्लीपीनेस की जो प्रॉब्लम होती है, जो आप लोग सो नहीं पाते हैं, जब ये सब प्रॉब्लम्स होती है वो दूर हो जाती है, क्योंकि जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है जो वो होता है एक नेचुरल स्लीप हार्मोन, जो कि हमारे बॉडी से जब रिलीज होता है हमारे ब्रेन स्लीपी फील होने लगता है। और जो हमारा एक राइट टाइम होता है नाइट में 9 या 10 o'clock या 11 o'clock, तो हमें खुद ही स्लीपी फील होने लगता है, जिससे हमारा जो स्लीप होता है वो भी काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करता है, उसका रीजन जो ये है कि जो सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जो हॉर्मोन्स होते हैं वो जो हमारे जो ब्रेन से अच्छे से रिलीज होने लगते हैं, जिससे जो हमारा मेंटल हेल्थ होता है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, हमें डिप्रेशन नहीं होता, एंजाइटी नहीं होता, ये सब जो होता है हमारी हमें बहुत ही ज्यादा कम होता है। और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ब्रेन में वो भी अच्छे से होने लगता है, जिससे जो मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी दूर हो जाती है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये है कि ये हमारे कंसंट्रेशन को काफी ज्यादा इंप्रूव करता है। जब आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, जिससे कि जो हमारा कंसंट्रेशन होता है वो भी काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टे कनेक्टेड, मीन्स जब आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे तो आप लोग अपने नेबर से किसी ना किसी से आप लोग जरूर मिलेंगे, जिससे आपका उनसे जो कनेक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।